ऑलराइट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लैपटॉप बाय कर रहे हो, कौन सा लैपटॉप मैंने बाय करना चाहिए? ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ना, इट इज फॉर दैट। और हमारे सामने अलग अलग डेल के लैपटॉप्स हैं। वी आर गोइंग टू फीचर डेल लैपटॉप्स और एग्जैक्टली आपको बताने वाले किन लोगों को कौन से लैपटॉप्स परफेक्ट है। और ये ध्यान से देखिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप कभी ना कभी लैपटॉप्स बाय करने वाले हो या आपके दोस्त बाय करने वाले। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा विच इज अ परफेक्ट लैपटॉप फॉर यू। सो यस, लेट अस स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। लेट अस स्टार्ट। मेरे सामने है दोस्तों इंस्पिरॉन। जी हां, ये डेल का गो टू लैपटॉप मैं कहूंगा, सबके लिए जो लैपटॉप होते हैं। और क्यों, ये भी मैं बताने वाला हूं। उसके बाद में अल्ट्रा लाइट वेट थिन प्रीमियम XPS रेंज है। एंड देन वी ऑब्वियसली हैव द गेमिंग लैपटॉप एलियनवेयर, जो उनका होता है। अब ये अलग अलग नियरली सभी ब्रांड्स ऐसे अलग अलग सीरीज लेके आते हैं, क्योंकि दीज आर मेंट टू बी फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल। मतलब आपको किस चीज के लिए चाहिए, उसके लिए उस हिसाब से उस सीरीज का आपने लैपटॉप लेना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद इंस्पिरॉन। अब इंस्पिरॉन जो है, मैंने कहा कि गो टू लैपटॉप है। क्यों पता है? नियरली 90% जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए होता है जहां पे विच डज नॉट कॉस्ट टू मच बट गिव्स यू अ लॉट। और मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इंस्पिरॉन जो है दोस्तों, ये 55 to 80, 85,000 इस प्राइस रेंज में होता है। एंड ऑब्वियसली इंटेल एंड क्वालकॉम दोनों के ही चिपसेट्स आपको मिलते हैं। बट लेट अस टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक, जो जनरली अभी तक जो लैपटॉप्स आए हुए ज्यादा करके इंटेल पे, आगे आपको क्वालकॉम के ज्यादा मिलने वाले। अब इंस्पिरॉन स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, प्रोफेशनल्स, ये जो होते हैं ना, इन ग्रुप के लिए। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि सभी जो लैपटॉप्स है ना, इनमें अब AI फीचर्स धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। यस, बिकॉज दे हेल्प यू इन योर रेगुलर वर्कफ्लो में आपके काम आते हैं। आप अगर स्टूडेंट हो तो बेसिकली जब आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो या आपको ट्रांसक्राइब करना है कुछ लेक्चर नोट्स वगैरह लेने, इट बिकम्स सुपर यूजफुल। तो सोचिए, इंटरनेट नहीं है, आप लेक्चर अटेंड करने गए हो, दो या तीन प्रोफेसर हैं जो बता रहे हैं, इट विल एक्चुअली ट्रांसक्राइब पूरे नोट्स ले लेगा अलग अलग प्रोफेसर के, इट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द वॉइस। और सोचिए, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ये सब ऑफलाइन होता है, सो दैट इज बिग। सेकंड, प्रोफेशनल्स के लिए बात करते हैं। जब आप जूम मीटिंग कर रहे हो, वर्चुअल मीटिंग वगैरह कर रहे हो, तो स्टूडियो इफेक्ट जो होते हैं, सो यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और पीछे you know, आपकी रूम वगैरह बराबर नहीं है, बैकग्राउंड बराबर नहीं है, आपको चेंज करना है, ब्लर करना है पीछे की तरफ, आपकी जो आंखें हैं वो हमेशा कैमरा की तरफ चाहिए, इवन दो इफ यू आर लुकिंग लाइक दिस, नहीं वो आगे वाले को अच्छा नहीं दिखेगा। तो वो सब जो फीचर्स होते हैं, स्टूडियो इफेक्ट जो होते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। एंड ऑब्वियसली AI की वजह से विंडोज हेलो का भी सपोर्ट है, सो दैट इज ऑल्सो दैट। ऑलराइट, और एक सवाल आता है मुझे हमेशा, कोडिंग के लिए सबसे अच्छा लैपटॉप कौन है, बहुत लोग पूछते हैं। अब इसमें दोस्तों स्पेसिफिकली आपको इंटेलीकोड मिलता है, जो इसेंशियली जब आप कोडिंग वगैरह कर रहे हो, आउटपुट निकालने के लिए ज्यादा फास्ट, ज्यादा मदद करता है। और उधर NPU की जरूरत पड़ती है, जो ऑब्वियसली इसमें, हाँ XPS वर्क्स इवन बेटर, क्वालकॉम के जो चिपसेट्स होते हैं वो उसमें NPU थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, बट इवन इंटेल के जो NPUs है, दे आर ऑल्सो गुड। तो जब आप विजुअल स्टूडियो पे कोडिंग कर रहे हो, you are going to get much better output thanks to IntelliCode. तो ये छोटी चीजें होती है हमारे अनबॉक्सिंग में, हमारे वीडियोस में, हम जनरली ये सब टेक्निकल टर्म्स नहीं कहते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब क्रिएटर्स के लिए बात करते हैं। हाँ, जो भी मैं फीचर्स इंस्पिरॉन में बोल रहा हूँ ना, वही आपको XPS एंड आपको गेमिंग जो एलियन वेयर वगैरह उसमें भी मिलने वाले हैं। सो ऐसे नहीं है कि इसमें कुछ है और इसमें नहीं है, सो दिस इज द बेस वेर यू गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, लेकिन इन लैपटॉप में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती है। अब क्रिएटर्स के लिए मैंने ये लेना चाहिए, आप अगर फोटोशॉप पे ज्यादा काम कर रहे हो तो obviously it will help you. Why? अब इसमें MX 250, 350 ऐसे dedicated GPU होते हैं, which obviously helps you. जब आप कोई photo editing वगैरह कर रहे हो, आपको background निकालना है, and you want to do, you know, photo editing के अलग-अलग tasks, उधर आपको GPU का फायदा होता है, जो dedicated होता है. So that is there in this. Obviously ये होगा photo editing. अगर आपको video editing करना है, तो आपको NPU और GPU दोनों की तरफ ध्यान देना होगा. अब light video editing आपको करना है, वो आप Inspiron पे कर पाओगे. अगर आपको heavy editing 4K मल्टीपल करने, तो ऑब्वियसली यू विल हैव नीड पावरफुल लैपटॉप्स, बट बेसिक एडिटिंग के लिए, यू नो, फुल HD आप एडिट कर रहे हो, 2K वगैरह एडिटिंग कर रहे हो, यू विल बी एबल टू डू इट ऑन इंस्पिरॉन। सो वो इंपॉर्टेंट है, उधर NPU एंड GPU प्ले अ रोल। वेदर यू आर अ क्रिएटर, प्रोफेशनल, कोडर, ये सब चीजों के लिए इंस्पिरॉन, जैसे मैंने कहा, गो टू लैपटॉप है। अब इसमें जो भी चीजें सब आपको XPS में मिलती है, बट इन अ वेरी
अल्ट्रा पोर्टेबल फॉर्मेट, लाइट वेट होता है, कैरी कर सकते हो जहां पे भी जाना है, एंड ऑब्वियसली इट इज वेरी प्रीमियम लुकिंग। अगर आप दोनों कंपेयर करोगे इंस्पिरॉन से तो XPS ऑब्वियसली प्रीमियम की तरफ जाता है, एंड यस इसकी थोड़ी प्रीमियम प्राइस भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अल्ट्रा पोर्टेबल या लाइट वेट होने के बावजूद इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि इसमें क्वालकॉम की चिपसेट है एंड दे आर वेरी वेरी पावर एफिशिएंट। तो आपको 10-12 घंटे, एक बार चार्ज कर लिया है, बार बार दिन भर चार्ज नहीं करना है, जस्ट कैरी दिस एंड यू विल बी एबल टू गो थ्रू द डे विदाउट एनी इश्यूज। और अभी के जो नए नए लैपटॉप्स है ना, उनकी बैटरी लाइफ क्यों ज्यादा अच्छी होती जा रही है? पहले अगर 5-6-8 साल पहले देखते थे तो 2-3 घंटे बैटरी लाइफ वॉज मोर, मतलब सभी लैपटॉप्स में, बट इसमें हम 10-12 घंटे की बैटरी लाइफ बात करते हैं थैंक्स टू AI। तो ये जो पावर मैनेजमेंट होता है उसमें भी AI की मदद से यू नो इट बिकम्स मच मोर स्मार्टर, और उसकी वजह से तो आपको बैटरी लाइफ भी ज्यादा मिलती है। अब इसमें भी AI फीचर्स, जी हाँ, ऑब्वियसली पोर्टेबल है, बैटरी एफिशिएंट है, बट AI फीचर्स भी आपको मिलते हैं, वो भी ऑफलाइन, एंड दिस इज यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स, जी हाँ, और उनका रिपोर्ट लिखना, बहुत सारा टाइपिंग होता है जहां पे ग्रामेटिकल एरर्स आपके हो या कुछ हो, तो उसके लिए मदद करने के लिए AI होता है। तो इसेंशियली प्रोफेशनल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइप करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करते हैं, आप वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, ऑटो कंप्लीट वो अपने आप करेगा, सजेशंस आपको दे देगा, ग्रामेटिकल एरर्स कुछ होंगे तो आपको बताएगा, सो इट हेल्प्स यू इन योर वर्क फ्लो। अब स्मार्टफोन्स पे तो ट्रांसलेटर आ गया है, बट आप अगर बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, ऐसी जगह पे जाते हो जहां पे अलग लैंग्वेज है और आपको वो कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, दिस लैपटॉप विल डू इट, जी हाँ, और वो भी ऑफलाइन, वो इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन विल डू इट। और ऑब्वियसली जो मैंने इंस्पिरॉन में कहा कि भाई वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग आपको करना है, ये सब चीज विंडोज हेलो का जो सपोर्ट है, ऑल दैट इज देयर प्लस सब मोर। इंस्पिरॉन XPS हो गया, अब Alienware किसने लेना चाहिए, सवाल ही नहीं, गेमिंग लैपटॉप है दोस्तों। Alienware जो सीरीज होती है इट इज बेसिकली फॉर परफॉर्मेंस, फॉर गेमिंग, एनहांस्ड AI गेमिंग वगैरह आपको करना है, then this is the laptop. तो जनरली गेमिंग लैपटॉप्स में क्या देखना चाहिए, क्या स्टैंड आउट होता है, एक तो CPU ऑब्वियसली, अब इसमें कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर आता है, डेडिकेटेड GPU आता है, RTX 4060, 4070, 4080, ये जो होते हैं वो आपको देखना है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका GPU उतना परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिलने वाला है, उस हिसाब से ऑब्वियसली प्राइस भी चेंज होने वाली है, बट दोज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप गेमिंग कर रहे हो दोस्तों, ग्राफिक इंटेंसिव काम होता है वो, काम यानी गेम्स जब खेल रहे हो बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं, मूवमेंट होता है, तो NVIDIA का DLSS ये इस्तेमाल करता है, मतलब फ्रेम इंटरपोलेशन आपको स्मूथ गेमिंग के लिए, एंड अगेन इट टेक्स लॉट ऑफ GPU एंड CPU पावर, बट उसमें होने की वजह से आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है वो जबरदस्त होता है। अब जब गेमिंग के बारे में बोल रहा हूं, उसमें से बहुत लोग स्ट्रीमिंग भी करते हैं, उसमें दो सॉफ्टवेयर आते हैं जो पॉपुलर है, वो एक तो OBS है, एंड देन NVIDIA का खुद का ब्रॉडकास्ट भी आता है, NVIDIA ब्रॉडकास्ट, जहां पे ऑब्वियसली AI की मदद से, मतलब आपको बैकग्राउंड स्ट्रीम कर रहे हो, बैकग्राउंड बराबर नहीं है, चेंज करना है, आपकी आंखें कैमरा की तरफ होनी चाहिए, वो सब चीजें भी आती हैं इसके अंदर। सो या स्ट्रीमिंग भी आप बहुत इजीली कर पाओगे, विच इज देयर, विच इज स्पेसिफिकली फॉर गेमर्स। अब हमारे पास जो ये लैपटॉप है, ये M16R2 है, पहले से अगर पहले के भी आप गेमिंग लैपटॉप देखोगे तो बहुत ज्यादा अनविल्डली होते थे, मतलब बहुत हैवी ज्यादा होते थे, वो भी अब लाइट हो गए हैं, और उसकी वजह से क्या हो गया पता है, मतलब इवन पोर्टेबिलिटी के मामले में वो अच्छा हो गया, आपको घूमना है और उधर ही फोटो एडिट करना है, वहीं पे वीडियो एडिट वगैरह करना है, यू कैन डू इट। अब हम फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोई लॉन्च इवेंट पे जाते हैं जहां पे हमें अगर कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, वी विल प्रिफर ऑब्वियसली दिस, क्योंकि एक तो साथ में लेके जा सकते हैं, इतना ज्यादा हैवी नहीं है कि यू नो यू हैव टू कैरी अराउंड 4-5 kgs, ऐसे कुछ नहीं है, दे आर अराउंड 2-2.5-3 kgs के अंदर ही होते हैं, और आप आपका काम कर सकते हो जहां पे भी आपको, तो वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, गेमिंग, तो आप आपके साथ लेके जा सकते हो जहां पे भी। तो ऐसे जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों कि ये जो है, ये चीजें आपने देखनी चाहिए, ये सिंप्लीफाई करके बताया आपको कि आपने कौन सा लैपटॉप देखना चाहिए, आपकी जो यूज केस होती है, आप किस चीज के लिए लैपटॉप्स इस्तेमाल करते हो, उस हिसाब से अलग अलग सीरीज ब्रांड्स ने भी बनाए हुए, जैसे इंस्पिरॉन, XPS एंड Alienware, अलग अलग लोगों के लिए, तो उसके पास जरूर ध्यान रखना, जस्ट बिकॉज कोई अच्छी डील मिल रही है और कोई अलग लैपटॉप ले लिया, दैट डज नॉट मेक सेंस। और डील्स के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये भी बता दूं कि डेल फॉर एग्जांपल आप डेल स्टोर पे ले सकते हो, क्रोमा में ले सकते हो, रिलायंस रिटेल में, आप जब भी कोई लैपटॉप लेते हो ना, यू शुड प्रिफर गो टू द ऑफलाइन स्टोर, चेक इट आउट फर्स्ट, और जहां पे फिर डील अच्छी मिल रही है
वहां पे आप जाके अच्छे प्राइस में खरीद सकते हो। और डेल के खुद के एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी है उधर जाना है तो। लेकिन एक चीज बिफोर आई फिनिश द वीडियो मुझे एक चीज बतानी है। अब दोस्तों एआई इंपॉर्टेंट, यू नो एज द टाइम गोज एआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्मार्टफोन्स में तो बहुत ज्यादा एआई आ गया है, बट आपको अब देखना है कि आपके जो लैपटॉप आप खरीदने वाले हो उनमें एआई का सपोर्ट कितना है। यू शुड बाय एआई पीसीज जैसे ये है डेल, इंस्पिरॉन, एक्सपीएस एंड एलियनवेयर, सब जगह पे आपको एआई मिलते हैं, उसके पास डेफिनेटली ध्यान दीजिए। एंड फाइनली ये भी कहना चाहूंगा कि ये लैपटॉप्स के बारे में होगा, खरीदने के बाद भी आपको ये देखना है कि वारंटी आपको कितनी मिलती है, खरीदने के बाद कितने दिन रिटर्न पीरियड है। जैसे डेल में आपको 14 डे रिटर्न पीरियड मिलता है, जहां पे आपने लिया अच्छा नहीं लगा आपको लैपटॉप, यू हैव टू रिटर्न इट, यू कैन डू दैट एज वेल। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू आर मेकिंग अ परचेस। इट इज अ लॉन्ग टाइम परचेस, आप एक बार लैपटॉप लेते हो तो कम से कम 4-5 साल इस्तेमाल करते हो। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उसके पहले बता दूं वीडियो खत्म करने से पहले कि ये जो वीडियो बनाया हुआ है ये डेल के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली जो हमने टेस्ट किया, जो हमें दिखा, जो हमने कहना चाहिए वही हमने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।